हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर लुप्त संख्या का पार्ट टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की, मैथ की और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप साथ ही साथ ट्राई भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ये वाली मिसिंग नंबर जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन इन तीनों का बन के ये वाला नंबर निकल रहा होगा। तो क्या रिलेशन बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 27 को 9 से डिवाइड किया गया है। तो आप 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 × 27 3 आ गया। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसी तरीके से आपका फिर 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 में से भाई 7 से डिवाइड किया आपने 35 को, तो कितना आया, 5। 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो आपका 2 आ गया। वैसे ही आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, ठीक है। और 9 में से 4 माइनस कर देंगे, अब 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और 5 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये भाई? सबसे ऊपर जो दो नंबर है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया, जो भी आया उसको उसमें से ये जो नीचे लिखा है वो नंबर माइनस कर दिया, और फिर नीचे वाला आपका नंबर बच गया। ठीक है, 35 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, आपका 5 आया, 5 में से 3 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 बच गया, तो 5 आपका राइट आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। देखिए कैसे, 3 का डबल कर दिया गया, यानी कि 3 × 2 = 6, और फिर 6 में ही 2 प्लस कर दिया गया, 6 में 2 प्लस कर दिया 8, फिर 8 × 2 = 16। यहाँ पे देखिए, 4 × 2 = 8, 8 में 2 प्लस किया 10, और 10 × 2 = 20। फिर यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10 में 2 प्लस किया 2, तो यहाँ मतलब 10 में 2 प्लस किया 12, और 12 की में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो आपका 24, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जो छोटा नंबर है इसमें 2 की मल्टीप्लाई की गई है तो 6 बन गया, 6 में 2 प्लस किया गया तो 8 हो गया, और 8 में फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर 16 हो गया। 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 × 2 = 10, और 10 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 20। 5 × 2 = 10, 10 में 2 प्लस कर दिया 12, 12 × 2 = 24। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 को जल्दी से ट्राई करिए, क्या राइट आंसर आता है, इसमें कौन सी लुप्त संख्या निकालनी है, ये वाली। ठीक है, तो फटाफट निकालिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको ये बीच वाली मिसिंग नंबर निकालना है, तो कुछ ना कुछ बाहर वालों का रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है, अब बाहर वालों का क्या रिलेशन बन रहा है, बाहर वालों का बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, यानी कि जो बाहर वाली सारी संख्या 1, 3, 2 इस वाले में है, तो सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 3 में करेंगे 3, और 3 × 2 में करेंगे 6, 2 × 5 में करेंगे 10, और 10 × 3 में करेंगे 30। ठीक है भाई, 8 × 5 में करेंगे 40, 40 × 4 में कर देंगे तो 160, तो वहाँ यहाँ पे आपका 160, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई, और ट्राई करिए। इसमें भी आपको बीच वाली मिसिंग नंबर निकालनी है, तो कुछ ना कुछ बाहर वालों का रिलेशन बन रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले नंबर जो हैं ये बड़े हैं, और अंदर वाला ये छोटा लिखा है, तो इसका मतलब कुछ प्लस माइनस ही चल रहा होगा। ठीक है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों पर ध्यान दिया करें कि जो नंबर लिखा, जो मिसिंग नंबर है, उसके दूसरे वाले नंबर, जैसे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये बड़े हैं या छोटे हैं, किस क्या रिलेशन बन सकता है। बड़े नंबर होते तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होती, छोटा नंबर है डिवाइड हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, तो इस नंबर में देखिए बेसिकली चल क्या रहा है, जो आमने सामने वाले दो नंबर हैं, इन दोनों और इन दोनों को प्लस करके, यानी कि इन दोनों को प्लस करके
इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे और जो भी इनका डिफरेंस आएगा उसको बीच में लिख देंगे। जैसे देखिए 7 और 3 को प्लस किया तो कितना हो गया 10। भाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे आपने 7 और 3 को प्लस किया तो 10 हो गया और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7। तो माइनस कर देंगे 10 में से 7 तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे आया 3 आपको पता चल गया, 9 दुनी 18 और 8 और 7 15। तो यहाँ पे देखिए 18 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 8 दुनी 16, 16 माइनस 6 दुनी 12, 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे आपके बचेगा 4। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक है। बीच वाले नंबर आपको ये वाला फाइंड करना है, तो बीच वाला नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई चल रही होगी। तो आप देखिए 12 के अगर मैं 5 में करूँ तो कितना होता है 12 5 60, और 15 की 4 में करूँ तो 15 4 60 होता है। यानी कि जो बाहर नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए आमने सामने वालों की तो 60 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी 60 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 42 और 14 3 42 होता है आपका, ठीक है। 7 6 आमने सामने वालों की मल्टीप्लाई की और 14 3 42 होता है, तो ये आपका 42 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अभी 13 6 जा 78 और 23 जा भी आपका 78, तो यहाँ पे 78 राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए भाई, भाई 13 के आपने 6 में मल्टीप्लाई करी जब भी आपका 78 आया, और 26 की मल्टीप्लाई आपने 3 में की तब भी 78 आया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो 3 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन ढेरों सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा इजी सा क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन इसलिए है, देखिए जो बीच वाला नंबर है ना जो आपको फाइंड आउट करना है, ये कुछ इन जितना ही या फिर इनसे छोटा बोल सकते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ा बड़ा भी है, मतलब आपका रिलेशन बाहर वालों से ही बनेगा ये तो आपको डेफिनेटली पता है, क्योंकि इन बाहर वालों का रिलेशन ही यहाँ पे कुछ ना कुछ बन के ये लिखा होगा, ठीक है। बस वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पहले वाले इसकी बात करूँ तो इसमें क्या लिखा है भाई, देखिए 5 और 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 6 30, और 3 और 8 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 3 24। तो 30 माइनस 24 करता हूँ तो डिफरेंस कितना आता है, देखिए इतना ही आता है क्या जितना बीच में लिखा है 6। 6 5 30, 8 3 24, दोनों का डिफरेंस 6, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे 10 की 4 में की तो 40 और 7 दुनी 14, 40 में से 14 माइनस करेंगे तो देखिए इतना ही आता है क्या जितना ही लिखा है 26, ठीक है। अब वैसे ही आपको 9 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है तो कितना हो जाएगा 63, और ये आपका 6 की 8 में करनी है तो 6 की 8 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। भाई 9 की 7 में की आपका 63 और 6 की 8 में करेंगे 48, तो राइट आंसर आपका कितना आ गया 15, दोनों का डिफरेंस 15 आ जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, 63 माइनस 48 इज़ द जो डिफरेंस आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मतलब इजी से भी बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ट्राई करके देखिए, अगर जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, सिंपल है, अगर नहीं हो रहा है तो हार्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चल रहा है, देखिए जब भी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को ट्राई करिए तो वीडियो को रोक करके पॉज करके ट्राई किया करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इससे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, जो मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस मेहनत के लिए, आपके लिए लगातार मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, आपको ये निकालना है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, 1 का जो क्यूब होगा वो 1 ही होगा, ठीक है।
64 का क्यूब क्या होगा, 64 का क्यूब होगा आपका, ओब्वियसली बात है 4 होगा। 27 का क्यूब क्या होगा, 3 होगा। 8 का क्यूब क्या होगा, मतलब 8 किसका क्यूब है, ठीक है, 8 आपका 4 का क्यूब हो जाएगा भाई। 1 किसका क्यूब है, 1 का है। 64 किसका क्यूब है, 4 का है। 27 किसका क्यूब है, 3 का है। 8 किसका क्यूब है, 2 का है। 1 प्लस 4 5, और 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी कि आपका बीच में 10 आ गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से 10 आया है, यानी कि जो ये नंबर लिखे हैं ये किस किस के क्यूब हैं, वो उन सभी का सम लिखा है बीच में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है नेक्स्ट आपका 8, देखिए किसका क्यूब है, 2 का, चल ठीक है प्लस कर दिया। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का, ठीक है। और 125 किसका क्यूब है, 5 का। इन सभी को प्लस करिए, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 हमने लिख दिया। ये किसका क्यूब 2 का, ये किसका क्यूब 3 का, ये किसका क्यूब 4 का, ये किसका क्यूब 5 का, इन सभी को प्लस करेंगे तो 14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आपको करना है। 27 किसका क्यूब, 3 का प्लस। 64 किसका क्यूब, 64 आपका क्यूब हो जाएगा 4 का, तो प्लस 4। तो 125 किसका क्यूब, तो 125 आपका क्यूब हो जाएगा 5 का, तो 5 प्लस। और 216 किसका क्यूब, 6 का, तो ये 6 हमने प्लस कर दिया। तो कितना हो गया, इन सभी को प्लस करके देखिए, ये सभी आपके हो जाएंगे प्लस करके 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। और समझ में आ गया तो फिर तो कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बाहर नंबर लिखे ना, ये भी बहुत फेमस है, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, और इवन आपकी ये तो SSC में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो बाहर वाले नंबर लिखे हैं, इनका कभी तो स्क्वायर का सम होता है, कभी इनके क्यूब का सम होता है, यानी कि जिस नंबर के स्क्वायर है, जिस नंबर के क्यूब है, उनका सम बीच में लिखा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या निकालना है आपको, 8 में निकालना है आपको ये दो मिसिंग नंबर और मिसिंग अल्फ़ाबेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए वीडियो को रोक करके, कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अल्फ़ाबेट इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, प्लस 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, प्लस 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, प्लस 4 का। यानी कि प्लस 2 किया गया, फिर प्लस 3 किया गया, फिर प्लस 4 किया गया, नेक्स्ट आप प्लस 5 कर देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आप प्लस 6 कर देंगे। तो जब आप O में प्लस 6 कर रहे हैं तो क्या बन के आएगा, U। तो आपको यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट तो मिल गया, U आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नंबर की बारी। 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है, 49 लिखा है। इससे आपको सीधा सीधा नज़र आना चाहिए कि सभी नंबर स्क्वायर है किसी न किसी नंबर के। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर ये लगातार नंबर के स्क्वायर लिखे हैं तो नेक्स्ट कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखा है, 49। तो इसका मतलब यहाँ पे U और 36 आपका सही आंसर बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है बताइए, ठीक है। तो U 36 यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो इसको भी लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ट्राई करके देखिए और इसका राइट आंसर क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेसिकली इसमें क्या चल रहा है, आप मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे हमें मिसिंग निकालना है ये वाला, क्योंकि ये सभी दिख रहा है आपको, आई क्यू यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ रिलेशन किसका बन के निकलेगा, जो ये बाहर वाले नंबर लिखे हैं। अब आप सोचेंगे अल्फ़ाबेट और आपका नंबर का क्या रिलेशन हो सकता है, अल्फ़ाबेट और नंबर के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, जैसे ये सबसे सिंपल वाला रिलेशन है वैसे, और यही आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे हाई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 क्या होगा, 9 पे आपका आई आता है, 5 और 4 9, 9 नंबर पे आपका आई आता है, तो आई लिख दिया। 3 और 2 5, 5 नंबर पे आपका ई आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 9 और 8 17,
9 और 8 17, 17 पे आपका क्यू आता है, ठीक है। 17 और 6 13, और 13 नंबर पे क्या आता है सभी को पता है बिल्कुल, मैं क्योंकि यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और उसमें लास्ट वाला नंबर एम होता है, तो एम 13 नंबर पे आता है। 17 और 6 सॉरी 7 और 6 आपका हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे एम, तो एम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक ट्रिक मैं ये बताता हूँ, जब भी आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद करने हो और उनके अपोजिट याद करने हो साथ ही साथ में, तो आपको एक काम करना होता है, देखिए ए को एम तक लिखिए और एम के नीचे एन, और एन से जेड तक ली, ए पहले पे आता है, ये 13 पे, ये 14 पे, और ये 26 पे, ठीक है। तो एम 13 पे आता है, 14 पे आता है, पहले पे आता है, 26 पे, चार तो ये आपके याद हो गए, ठीक है। फिर ई जोती होता है, ई आई जे ओ टी वाई, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, ये आपकी एक ट्रिक होती है। ये मैंने आपको वैसे सारे करा रखे हैं, आप वीडियो देखते तो हो नहीं, मैं अभी पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, अभी बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं, फिर बोलते हैं सर आप कोर्स कंप्लीट नहीं कराते हैं, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस होकर वीडियो को देख लिया करें, कहीं कोचिंग कहीं कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से इसको भी ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ खास नहीं है, मतलब थोड़ा सा अजीब ही क्वेश्चन लगेगा आपको। ए और बी में प्लस वन चल रहा है, फिर बी को वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है, बी को वैसे का वैसे लिख दिया, और बी और सी में फिर प्लस वन चल रहा है, फिर सी और एच में आपका प्लस फाइव चल रहा है, और फिर प्लस वन चल रहा है। यही पैटर्न जो इसमें चला है, इसमें चला है प्लस वन प्लस जीरो, यानी कि बी को बी लिख दिया गया है, फिर प्लस वन और प्लस फाइव और प्लस वन, वैसे आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस वन, ई को वैसे का वैसे लिख दिया गया है, ठीक है, फिर प्लस वन, फिर प्लस फाइव और फिर प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट आपको वैसे ही करना है, प्लस वन, क्यू का वैसे लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे प्लस फाइव, तो आर में आप प्लस फाइव करेंगे तो क्या बनेगा डब्लू, और डब्लू में फिर प्लस वन करेंगे तो एक्स, तो डब्लू एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए। बिल्कुल डिट्टो यही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाले में मैं आपको बता के आया हूँ। इसमें चल रहा है प्लस फोर, ठीक है, प्लस फोर प्लस जीरो, यानी कि ई को लिख दिया, फिर प्लस फोर, फिर प्लस जीरो और फिर प्लस फोर, वैसे आपका प्लस फोर इसमें होगा, जी से के में जाएंगे प्लस फोर, फिर प्लस जीरो हो जाएगा, यानी कि के को के लिख देंगे, फिर प्लस फोर कर देंगे, फिर आप ओ को लिख देंगे और फिर प्लस फोर कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस फोर होगा क्यू, फिर आपको क्यू को क्यू लिख देना है, फिर प्लस फोर होगा, फिर यू को यू लिख देना है, सॉरी हाँ यू को यू लिख देंगे, ठीक है, और फिर इसमें प्लस फोर कर देंगे, तो यू में प्लस फोर वाई, यानी कि यू और वाई आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, अगर समझ में आ गया है